ओके सो आई थिंक वी आर लाइव सो गुड मॉर्निंग बच्चा लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल एड्यूनिथी दिस इज द लास्ट सेशन ऑन योर जून अटेम्प्ट चैप्टर वाइज सोल्यूशन है ना टोटल आपको फिजिक्स में 390 नाइनटी क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें से हम लोगों ने ऑलरेडी 371 सेवनटी वन कम्प्लीट कर रखा है एंड टूडे वी आर गोइंग टू डील विद द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन ठीक है जो चैप्टर्स आज कवर होने वाला है आप थर्मल में देख चुके होंगे थर्मल प्रॉपर्टीज होगा जिसमें आपका थर्मल प्रॉपर्टीज हीट ट्रांसफर दोनों आता है फिर हम लोग उसके बाद देखेंगे वेव मोशन तो एक बार जल्दी से चार्ट सेक्शन में लिख के बता दीजिए कि क्या आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है कि नहीं कम ऑन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चा लोग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलिए आ जाइए आ जाइए जल्दी जल्दी सभी को आ जाइए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग यस सर सर दिखाई दे रहा है सर ऑन आज के सेशन में ना आपको कुछ अच्छे अच्छे सवाल देखने को मिलेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज इन से इन्होंने थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो कैलोरीमेट्री पे काफ़ी पूछ लिया था सो बेसिकली हीट ट्रांसफर पे आपसे सवाल भी पूछा गया था और वेव मोशन में आपसे वहाँ पे रेजोनेंस ट्यूब हो गया या फिर आपका जो स्टैंडिंग वेव होता है उसके ऊपर आपसे सवाल पूछा गया था तो चलिए अपने सेशन को शुरू करेंगे उम्मीद करते कि आपका नोटबुक और पेन रेडी होगा सेशन को लाइक like कौन करेगा आप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर, करेगा वो भी आप यहां पे नाम लिखा हुआ है एडुनिटी फॉर फिजिक्स और कई बच्चे मेरे से है ना कल भी पूछ रहे थे कि सर आपका कोई ऐप आप नहीं है क्या बच्चा आप प्ले स्टोर पर जाओगे आपको आपको एडुनिटी एडुनिटी नाम नाम से आपको नाम से वहाँ पे एक ऐप दिखाई देगा ठीक है तो वो हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं शुरू करते हैं लेट्स स्टार्ट थर्मल प्रॉपर्टीज टोटल यहाँ पे नौ क्वेश्चन है ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन है ये सवाल हमसे पूछा गया था 24th जून शिफ्ट वन में सवाल में हमसे पूछ रहा है टू मेटालिक ब्लॉक्स m1 एंड m2 ऑफ सेम एरिया एंड क्रॉस सेक्शन एरिया आर कनेक्टेड टू ईच अदर इफ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ m2 इज के अब देखिएगा यहां पे ना किस तरीके से आपको M2 का दिया है ना कि M1 का तो इसका थर्मल कंडक्टिविटी हमको के दे रखा है देन दी थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ M1 वुड बी वॉट तो हमसे इसकी थर्मल कंडक्टिविटी पूछी जा रही है लेटेस से K1 तो अगर आप यहां पे बच्चा इस फिगर को ध्यान से देखें सो मुद्दे की बात ये होती है मुद्दे की बात आपको ये होती है कि अगर इस वाले रॉड में आपको हीट करंट आई वन है तो इसमें भी आपको हीट करंट आई वन ही होना चाहिए दोनों क्योंकि सीरीज में है तो दोनों में करंट सेम रहेगा अब आप सभी को पता है कि हीट करंट इज नथिंग बट योर डी क्यू बाई डी टी आपका डी क्यू बाई डी टी ही तो हीट करंट होता है और हीट करंट आप क्या लिखते हो हीट करंट को आप क्या लिखते हो यू राइट इट के ए बाई एल के ए बाई एल डेल्टा टी ठीक है चेंज इन योर टेम्परेचर तो बस यही चीज हमको यहाँ पे करना है अगर आप ध्यान से देखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भैया I1 वन इज इक्वल टू आई अगर आपने इस वाले को I2 बोला है इसमें करंट अगर आपने आई टू बोल दिया है इसमें करंट आपने आई वन बोल दिया है तो दोनों में बेसिकली आपको सेम है करंट सो आई वन इज़ इक्वल टू आप यहाँ पे आई टू लिखेंगे एंड दिस मेक्स वॉट इज़ द वैल्यू ऑफ आई वन के जहाँ पर आप इसको के वन लिखेंगे एरिया जो है आपका वो सेम है तो इसको हमने ए लिख दिया है डिवाइडेड बाई लेंथ की वैल्यू सिक्सटीन है मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी तो यहाँ पे 100 है और यहाँ पे आपको 80 है सो so 100 माइनस एटी विच इज़ योर 20 इज इक्वल टू के टू की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें तो कैपिटल के ही है मल्टीप्लाइड बाई एरिया आपका सेम है लेंथ एट है और डेल्टा टी यहाँ पे देखिए तो एटी माइनस जीरो दट इज योर एटी इट सेल्फ तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जो है इसको कट करेगा तो ये फोर हो जाएगा दिस कैंसिल आउट दिस तो ये टू इसको कट किया तो ये आपको एट हो जाने वाला है तो यहाँ से आप देख सकते हैं के वन की जो वैल्यू है वो आपको एट टाइम्स वन की वैल्यू एट टाइम्स के निकल के आ रही है विच इज नंबर बी ठीक है शानदार शानदार सभी बच्चों का एकदम सही जवाब क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू यहां पे आपको काफी सवाल जो है वो कैलोरीमेट्री या फिर आपका जो Q इज इक्वल टू एम एस डल्टा टी होता है उससे देखने के लिए मिल सकता है तो ध्यान से सवाल को पढ़े और सॉल्व करने की कोशिश करें सॉल्व करने की कोशिश करें 100 ग्राम ऑफ आयरन नेल इज हिट बाय अ 1.5 पॉइंट हैमर और हैमर की वेलोसिटी 60 मीटर्स पर सेकेंड थी व्हाट विल बी द राइज इन द टेंपरेचर ऑफ द नेल इफ वन फोर्थ ऑफ द एनर्जी ऑफ द हैमर गोज इनटू हीटिंग ऑफ द नेल तो भैया वन फोर्थ वन फोर्थ ऑफ द एनर्जी ऑफ हैमर हैमर की एनर्जी है आपको हाफ एम ठीक है इसको ये एनर्जी आपको इस्तेमाल की गई है नेल का टेम्परेचर को बढ़ाने में दैट इज योर एम एस डेल्टा टी एम एस डेल्टा टी ठीक अब यहां पे आपको सिर्फ वैल्यूज को सब्सिट्यूट करना है अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे आपका ये कितना है वन बाई फोर मल्टीप्लाइड बाई वन बाई टू मल्टीप्लाइड बाई यहां पे एम जो है वो आपका हैमर का मास है विच इज वन पॉइंट फाइव चाहो तो उसको थ्री बाई टू लिख दो मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर

0.42 फोर टू मल्टीप्लाइड बाई हमसे यहाँ पे व्हाट विल बी द राइज इन टेम्परेचर डेल्टा टी ही हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है डेल्टा टी ही हमसे यहाँ पे पूछा है तो आप यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे आपको सीधे सीधे डेल्टा टी निकल के आने वाला है विच इज योर ऑप्शन नंबर व्हिच वन ये आपको निकल के आएगा सिक्सटीन दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी ठीक है राइट right? बढ़िया है बहुत बढ़िया सी इज ई करेक्ट ऑप्शन ध्यान से सॉल्व कर लीजिए यस 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 सो मोस्ट ऑफ यू आर गेटिंग द करेक्ट आंसर वेरी गुड सर वन पॉइंट फाइव इन के जी हाँ जी बच्चा देखिए लेफ्ट साइड में है ना हमने मास को केजी में ही रखा लेकिन राइट right साइड में इसको ग्राम्स में क्यों रहने दिया क्योंकि आपका ये जो स्पेसिफिक हीट वाला है ना इसमें भी ग्राम लिखा था है ना तो आपका फिर राइट right साइड में अगर दोनों को ही ग्राम छोड़ दोगे तो फिर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तो यूनिट्स का ध्यान रखना ऐसे सवालों में क्योंकि सवाल इजी है लेकिन बच्चा फिर इसके यूनिट्स में ही है ना उलझ के रह जाता है अब ये आपको बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये आपको एक न्यूटनस लॉज ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन है लेकिन ग्राफ आपको यहां पे दिया हुआ है तो आपको ग्राफ से चीजों को डिड्यूस करना होगा है कि नहीं देखिए बेटा फ्लूइड्स हो चुका है प्लीज चेक द प्लेलिस्ट अच्छा सवाल देखिए इन आर एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन दी टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी ऑफ द वाटर ओहो हो सर ये जो है ना ये जो वाई एक्सेस में है ये हमको सर डेल्टा टी दे रखा है वाटर एंड द सराउंडिंग्स एंड टाइम हैोर इन द फिगर द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द वॉटर इज एटी डिग्री सेल्सियस तो भैया आपको वाटर का इनिशियल टेम्परेचर जो है वो क्वेश्चन में दे रखा है 80 डिग्री सेल्सियस 80 डिग्री सेल्सियस ठीक है है अच्छा ये क्या दिस दिस इज़ इज़ डेल्टा डेल्टा टी टी तो 60 इज बेसिकली टी वन माइनस टी सराउंडिंग है ना इसका मतलब आपको ये पता चल गया है ना कि सर सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो आपको ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड है जो कि आपको फिक्स है बेसिकली अब उसके बाद ध्यान से देखिए ये वाला जो चीज है ये डेल्टा टी बेसिकली आपको क्या दिखाता है ये डेल्टा टी आपको बता रहा है कि अब आपका जो पानी का टेम्परेचर होगा वो कितना हो जाएगा 60, क्योंकि 60 माइनस ट्वेंटी आपका 40 रहा होगा यानी टी टू इज इक्वल टू सिक्सटी टी टू इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री सेल्सियस तो हमको ये पता चल गया है कि पानी T1 से T2 पे आता है इन दी टाइम ड्यूरेशन ऑफ छः मिनट यहाँ से आपको पता चला है छः मिनट तो आप इक्वेशन कौन सा इस्तेमाल करोगे आप इक्वेशन यहाँ पे इस्तेमाल करोगे सर t1 वन माइनस टी टू डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट सी ब्रैकेट t1 वन प्लस टी टू टी वन प्लस टी टू डिवाइडेड बाय टू माइनस योर टी ऑफ सराउंडिंग यही इक्वेशन को आपको इस्तेमाल करना है तो पहली बार जब आपने इसको लगाया तो T1 वन माइनस टी टू एटी माइनस सिक्सटी इज नथिंग बट योर ट्वेंटी डिवाइडेड बाई स्मॉल टी इज योर छः मिनट यहाँ पे छः मिनट लिख दिया है C को C लिखा है T1 वन प्लस टी टू बाई टू यानी एटी प्लस सिक्सटी वन फोर्टी और उसका आधा हो गया सेवेंटी और सराउंडिंग टेम्परेचर आपका है जनाब यहाँ पे ट्वेंटी तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है दिस बिकम्स योर हाउ मच यहाँ पे आपका फिफ्टी होने वाला है सो सी इज़ इक्वल टू सी इज़ इक्वल टू टू ज़ीरो डिवाइडेड बाई सिक्स इंटू फिफ्टी

डिवाइडेड बाई मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो आपको टी नॉट है सो दिस डिवाइड बाई टी नॉट सी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा वन बाई फिफ्टीन ब्राकेट टी टू प्लस टी थ्री बाई टू यानी कि सिक्सटी प्लस फोर्टी बाई टू विच बिकम्स योर फिफ्टी सराउंडिंग टेम्परेचर इज़ योर ट्वेंटी तो यहाँ से बच्चा आपको टी नॉट आता हुआ नहीं दिखाई देगा क्या दिखाई देगा सर ये आपको हो जाएगा कितना थर्टी बाई फिफ्टीन इज टू यानी कि सर टी नॉट की वैल्यू टेन है सर टी नॉट की वैल्यू टेन है तो T2 कितना हो जाएगा 10 प्लस सिक्स सिक्सटीन सो द आंसर टू द क्वेश्चन इज 16 मिनट्स so तो सवाल आपको ये बढ़िया सवाल है क्योंकि ग्राफ होने के होने की वजह से बच्चे शायद इसको देख के शायद थोड़ा सा घबरा सकते हैं क्लियर है राइट सर टी सराउंडिंग ट्वेंटी कैसे हुआ ओ हो अरे बेटा सवाल को ध्यान से पढ़े डेल्टा टी इज डिफरेंस ऑफ वाटर टेम्परेचर एंड सराउंडिंग और अपने को वाटर टेम्परेचर शुरुआत का 80 दे रखा है तो भैया 80 माइनस ट्वेंटी तभी तो यहां पे 60 आया होगा है ना 80 माइनस ट्वेंटी तभी तो 60 आया होगा सो ये जो डेल्टा टी है ये डेल्टा टी क्या है टेम्परेचर ऑफ वाटर माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर सवाल में तो साफ साफ बोला हुआ है अपने को सुंदर अक्षरों में दिस इज 60 60 ये ये है और शुरुआत में आपको 80 था तो टी आपको बार बार निकालना आ, टी आपने निकाल लिया और सराउंडिंग टेम्परेचर कभी भी चेंज नहीं होगा आपका वाटर जो है वो वो बेसिकली कूल डाउन हो रहा है समय के साथ क्लियर है चलिए कम ऑन कम ऑन ये बेटा एकदम सही जवाब है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर ये सवाल आपका एक सिंपल एक्सपेंशन का क्वेश्चन है ऑन सॉल्व कीजिए इसको ये आपका एक्सपेंशन का क्वेश्चन है सॉल्व दिस क्वेश्चन दिस इज ऑल्सो अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना कोई इसमें आपको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए सोल्यूशन इसमें क्या बोल रहा है इसमें हमसे कह रहा है अ सॉलिड मेटालिक क्यूब टोटल सर्फेस एरिया ऑफ ट्वेंटी फोर मीटर स्क्वायर तो भैया अगर आपके पास क्यूब है तो उसका टोटल सर्फेस एरिया होता है सिक्स इन टू साइड का स्क्वायर टू ये हमको कहता है ट्वेंटी फोर यानी कि सर यहाँ से हमको पता चल गया है कि सर ए स्क्वायर जो है वो फोर है और यानी कि सर ए की वैल्यू टू है आपको ईच साइड पता चल गया है यानी कि क्यूब का जो इनिशियल वॉल्यूम होगा वो आपको हो जाएगा ए का क्यूब बोले तो सर एट मीटर्स क्यूब ठीक फिर बोलता है इफ इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय टेन डिग्री थ्री अल्फा लिख सकते हो डेल्टा टी सर यहां यह की वैल्यू है ऊपर हमने डिराइव किया है राइट थ्री इंटू सर अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है इतनी दिस इज योर फाइव इंटू फाइव इंटू टेन टू दावर टेन टू दावर माइनस फोर मल्टीप्लाइड टी दैट इज योर टेन डिग्री सेंटीग्रेड तो अपने को इसको सॉल्व करना है इसको सॉल्व करोगे तो बेटा अभी आपका आंसर निकल के आने वाला है मीटर क्यूब में देख लीजिए इंटू थ्री ट्वेंटी पावर माइनस थ्री मीटर क्यूब लेकिन हमें इसे कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर क्यूब में तो टेन टू दावर सिक्स से मल्टीप्लाई करोगे सो दिस बिकम्स योर वन पॉइंट टू इंटू टेन टू दावर फाइव सेंटीमीटर क्यूब दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी ठीक बढ़िया है। बढ़िया है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दिस वॉज सिंपल क्वेश्चन लेकिन फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था ये आपका क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव ध्यान से देखिएगा ओहो वॉट डेंड एक सेकेंड हम्म <laughs> एक सेकेंड बेटा थोड़ा सा ना कुछ तो इश्यू है हम्म यस yes. ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर फाइव कम ऑन कैलोरीमेट्री का यहां पे आपको एक और सवाल कॉपर ब्लॉक ऑफ मास फाइव के जी इज हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ पांच सौ डिग्री सेंटीग्रेड सो बेसिकली क्या है आपके पास मान लीजिए यहां पर एक कॉपर का ब्लॉक है और ये कॉपर का ब्लॉक जो है आपको आइस के ऊपर रखा हुआ है कॉपर का जो ब्लॉक है ना आपका आपने उसको रखा है एक बड़े से आइस के ऊपर ठीक है इसका जो मास है हमसे कहता है दैट इज योर फाइव के जी इसका मास इज योर फाइव के जी ठीक

कॉपर का आपको एस के वैल्यू दे रखा है दैट इज योर पॉइंट थ्री नाइन जूल पर ग्राम है ये, पर ग्राम है तो अगर आप इसको जूल पर किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपको हो जाने वाला है थ्री नाइन टी एमएस डेल्टा टी कॉपर 500 सौ से जीरो पे अगर आएगा तो लॉस इन टेम्परेचर इज 500. सौ ठीक दिस इज इक्वल टू ये पूरा हीट आपको आइस गेन करेगा तो मान लेते हैं कि आइस का एम मास मेल्ट करने वाला है और एलवी यानी कि सॉरी एलएफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज दिस मच ये आपको अगेन ग्राम में है तो आप इसको किलोग्राम में जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे टेन टू पावर थ्री आपको लगाना पड़ेगा अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे आपको आंसर जो है वो सीधा सीधा निकल के आने वाला है तो ये बेसिकली आपका टू हो जाएगा आप यहाँ पे एम की वैल्यू को फिर लिख सकते हैं फाइव इंटू थ्री नाइनटी डिवाइडेड बाई दिस बिकम्स योर सिक्स सेवेंटी सिक्स सेवेंटी तो यहां से आपका जीरो से जीरो भी गायब हो जाने वाला है तो आप यहां पे थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट करके देख सकते हैं कि आपका आंसर जो है वो टू पॉइंट नाइन के आसपास आने वाला है सी बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है एकदम ठीक है राइट कमौर चलिए आगे बढ़ते हैं आसान सा सवाल ठीक क्वेश्चन नंबर सिक्स ये सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स ये सवाल का लैंग्वेज में थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत आती है लेकिन सवाल इजी है ये भी अ गीजर हीट्स वाटर फ्लोइंग एट द रेट ऑफ टू के पर मिनट फ्रॉम थर्टी टू सेवेंटी डिग्री सेंटीग्रेड तो हम इस पूरे सवाल को ना एक मिनट के लिए सॉल्व करने वाले हैं सो यहाँ पे आप ऊपर में सबसे पहले लिख सकते हैं इन वन मिनट कि सर एक मिनट की कहानी आपकी क्या होने वाली है अ गीजर हीट्स दो के जी पानी को अगर वो हीट कर रहा है 30 70 तो पानी ने कितना हीट एब्सॉर्ब किया तो आप यहां पे क्या लिखेंगे सर टू इन टू ये मास हो गया एम एस डेल्टा टी पानी का यहां पे आपको स्पेसिफिक हीट दे रखा है दैट इज योर फोर पॉइंट टू तो आप इसको ग्राम को जब किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका फोर्टी टू हंड्रेड हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन टेम्परेचर इज योर फोर्टी तो इतना जूल पानी जो है वो हीट एब्जॉर्ब करने वाला है लेकिन ये हीट उसको कौन प्रोवाइड कर रहा है सो so बेसिकली आप नीचे में एक गैस बर्नर लगाए हुए हैं हमसे उस गैस बर्नर का द रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल पूछ रहा है वो जो बर्नर है उसके अंदर कोई फ्यूल होगा उसका हमसे रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल पूछ रहा है हमको क्वेश्चन में ये भी देता है कि जब एक ग्राम फ्यूल जलता है तो आपको इतना जूल वो हीट देता है तो कितना ग्राम आपको फ्यूल जलाना पड़ा होगा टोटल इतना हीट चाहिए टोटल इतना हीट चाहिए और एक ग्राम के जलने से इतना हीट पैदा होता है तो दोनों को ऊपर नीचे आप डिवाइड करेंगे अगर ऐसे तो ये देखिए ख़त्म ये टू से फोर एट खत्म तो आपका यहाँ पे ये जो फोर्टी टू बच रहा है वो क्या है फोर्टी टू ग्राम आपको फ्यूल जलाना पड़ेगा पर मिनट सो सवाल आप देख रहे सवाल कितना आसान है बस आपको इसको लैंग्वेज को समझना था ठीक चलिए बहुत शानदार काफी बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है चार्ट में क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन कम ऑन सॉल्व दिस क्वेश्चन चलिए अ लीड सॉरी लेड बुलेट पेनिट्रेट्स इनटू अ सॉलिड ऑब्जेक्ट एंड मेल्ट्स यानी कि जब वो बुलेट आपको सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर घुसा होगा तो वो बुलेट हीट अप हो गया होगा ड्यू टू लॉस इन कनेटिक एनर्जी अज्यूमिंग दैट फोर्टी परसेंट ऑफ दूस टू हीट इट द इनिशियल स्पीड ऑफ द बुलेट इज हाउ मच राइट सो बेसिकली वट है आपके पास एक बुलेट था जिसका कैनेटिक एनर्जी का फोर्टी परसेंट ही इस्तेमाल हुआ है उसको मेल्ट कराने में तो फोर्टी परसेंट का मतलब जीरो पॉइंट फोर उसका कैनेटिक एनर्जी आपको हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू आगे बढ़ते हैं इनिशियल टेम्परेचर ऑफ़ बुलेट इज़ वन ट्वेंटी सेवन मेल्टिंग पॉइंट इज थ्री ट्वेंटी सेवन तो भैया पहले तो वो बुलेट अपना टेम्परेचर राइज़ किया होगा पहले वो बुलेट अपना टेम्परेचर राइज़ किया होगा जहाँ पे स्पेसिफिक हीट स्पेसिफिक हीट ऑफ बुलेट इज दिस मच और यहाँ पे सब कुछ आपको ऐसा ही में है तो आप चुपचाप वन ट्वेंटी फाइव ही लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई कितना राइज इन टेम्परेचर हुआ है तो वन ट्वेंटी सेवन से बढ़ के थ्री ट्वेंटी सेवन हुआ है यानी दो सौ का राइज़ हुआ था इसके बाद थोड़ा सा और हीट वो एब्सॉर्व किया होगा खुद को मेल्ट कराने में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का इस्तेमाल किया होगा उसने तो यहां पे आप लिख पाएंगे 2.5 टू पावर फोर आपको चुपचाप जो है इसको सॉल्व करना है यह आपको वन लाइन में इक्वेशन लिखा गया है वन लाइन में इक्वेशन लिखा गया है और इसका सही जवाब क्या आ रहा है बच्चों का बिल्कुल सही बिल्कुल सही बी जो है वो सही जवाब आ रहा है आदिल मैंने आपका मैसेज देखा हुआ है और टीम को मैंने मतलब कंसर्न टीम को मैंने पास ऑन कर दिया है बट स्टिल हमारे इधर नहीं शो कर रहा है आई हैव ऑलरेडी मैंशनड यू लेकिन पैनिक ना करे बेटा ठीक है आई हैव सीन योर मैसेज डोंट स्पैम एवरीवेयर अच्छा तो वी की वैल्यू आप जब सॉल्व करेंगे ये आपको कितना निकल के आने वाला है ऑप्शन नंबर बी दिस इज गोइंग टू बी योर फाइव ठीक है क्लियर है एकदम चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर एट ये सवाल आपको इक्वेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर है तो थर्मल कंडक्टिविटी इक्वेलेंट का अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो कम से कम आपको अप्रोच पता होना चाहिए कि सर अप्रोच क्या बोलता है सवाल में आपको क्या बोल रहा है कि इसका थर्मल कंडक्टिविटी के है इसका टू के है इसका लेंथ चार सेंटीमीटर इसका ढाई सेंटीमीटर तो इस पूरे सिस्टम का इक्वेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा सो so बेसिकली सबसे पहले इस पूरे सिस्टम का आप आर इक्वेलेंट लिखिए आर इक्वेलेंट मतलब समझते हो इस वाले का थर्मल रेजिस्टेंस आर वन है इस वाले का आर टू है तो आप यहाँ पे लिखते हैं कि सर आर वन प्लस आर टू शुड बी इक्वल टू आर ऑफ इक्वेलेंट ठीक है सर अच्छा ना आर की फॉर्मूला होता है एल बाई के ए यहाँ पे लेंथ है चार सेंटीमीटर सो चार सेंटीमीटर थर्मल कंडक्टिविटी के है और क्रॉस एरिया ए है प्लस इस वाले का लेंथ टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ऐसे ठीक है डिवाइडेड थर्मल और इसका भी ए ही होगा टोटल छह सेंटीमीटर राइट डिवाइडेड बाई इक्वेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी हमको निकालना है तो के इक्वेलेंट और क्रॉस एरिया ए आपको सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन को ही सॉल्व करना है आप यहां से देखिए के से के सॉरी से एरिया जो है वो आपका यहां से सलट जाने वाला है आप यहां से बच्चा के इक्वेलेंट की वैल्यू को निकालेंगे और उसको फिर इसके साथ इक्वेट करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्फा बिल्कुल रेजिस्टेंस से एनोलॉजी निकालना है रेजिस्टेंस से अपने को एनोलॉजी यहां पे निकालना है राइट कम ऑन क्या आंसर आएगा सॉल्व करके बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या आने वाला है सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है ना? है ना ठीक है बेटर टू फोकस ऑन द क्वेश्चन गोइंग ऑन अबाउट वॉट इज ऑलरेडी इसको सॉल्व करके आप बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है बच्चों का क्वेश्चन नंबर एट का राइट right? बच्चा अगर आपने ये चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो आप इसको प्लीज छोड़ दीजिए लेकिन अभी बहुत डेप्थ में जाने की आपको जरूरत नहीं है जिन्होंने कर रखा है वही इस चीज को फॉलो करें है ना तो यहां से आपका क्या बच रहा है फोर बाई के प्लस यह आपका बेसिकली टू पॉइंट फाइव बाई टू के बच रहा है टू पॉइंट फाइव बाई टू के इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट फाइव सिक्स पॉइंट फाइव बाई योर के इक्वेलेंट सॉल्व करेंगे आपको यहां पे अल्फा की वैल्यू जो निकल के आएगी दैट इज गोइंग टू बी और ट्वेंटी वन यहां से निकालिए के इक्वेलेंट इसके साथ कंपेयर करेंगे तो अल्फा आएगा ट्वेंटी वन बहुत बढ़िया यस yes. यस yes. Now पीपल आर टाइपिंग Now पीपल आर mentioning द आंसर ग्रेट चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन में कहता है एट व्हाट टेंपरेचर अ गोल्ड रिंग ऑफ डायामीटर इतना कैन बी हीटेड सो दैट इट कैन बी फिटेड ऑन अ वुडन बैंगल ऑफ डायमीटर इतना अब ये सवाल का कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है तो आई विल जस्ट शो यू दी इक्वेशन कि आपको इक्वेशन ऐसे यहाँ पे कैसे बनाना था बेसिकली आपके पास जो रिंग है उसका डायमीटर इतना है आप उसके डायमीटर को इतना बना देना चाहते हो क्लियर है बोथ द डायमीटर्स हैज बिन मेजर्ड एट द रूम टेम्परेचर सत्ताईस डिग्री सेंटीग्रेड द कोफिशन ऑफ लीनर एक्सपेंशन इज इतना राइट एट वॉट टेम्परेचर अ गोल्ड रिंग ऑफ डायमीटर इतना सो so, कितने टेम्परेचर पे वो टेम्परेचर क्या होगा ताकि डायमीटर इससे इंक्रीज होके ये पहुंच जाए राइट सो बेसिकली अपने पास जो फॉर्मुला है दैट इज योर डेल्टा एल वाला यहाँ पे आपका लीनियर डायमेंशन है सो डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी ठीक है अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे डेल्टा एल का मतलब है 6.230 और 6.241 का डिफरेंस विच इज योर पॉइंट जीरो वन वन इज इक्वल टू हो जाएगा इनिशियल टेम्परेचर विच इज योर सिक्स पॉइंट टू थ्री जीरो एल्फा की वैल्यू हमें नीचे दे रखी है विच इज योर वन पॉइंट फोर इन टू टेन टू पावर माइनस फाइव मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी यानी कि फाइनल टेंपरेचर कुछ टी रहा होगा जो हमसे सवाल में पूछ रहा है और इनिशियल टेम्परेचर दैट इज योर ट्वेंटी

सिंपल uh, सिंपल ही क्वेश्चन है अगर आपको वेव का थोड़ा सा भी idea, तो आपसे क्राक हो जाएगा द इक्वेशन बाई इतना uh, कह रहा है कि अगर ये दोनों करेगा, तो बताइए तो आप ऐसे सवालों में पहले पता करते हैं कि दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस कितना है तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंट फाइव राइट दैट इज डिफरेंस दोनों वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो है टू पाई मल्टीप्लाइड बाई वन पॉइंट फाइव दैट इज पाई तो भैया फेज डिफरेंस थ्री पाई का है ऊपर वाले का एम्पलीट्यूड अगर आप ध्यान से देखें तो फाइव है और नीचे वाले का जो आपका एम्पलीट्यूड है दैट इज योर थ्री अब अब आप यहां पे नॉर्मल वेक्टर का बात कर सकते हैं ए वन अगर आपको इधर है तो ए टू जो है ए टू का जो थ्री एम्पलीट्यूड है वो थ्री पाई फेज आगे है और थ्री पाई का मतलब क्या होता है ए टू इधर की तरफ रहा आपको ए टू इधर की तरफ रहा तो यहां पे फाइव था यहां पे थ्री था इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा टू भाई थ्री पाई समझते हो ना यहां से लेकर यहां तक होता है टू पाई फिर एक और आपका थ्री पाई तो आंसर सिंपली आपका यहां पर टू सेंटीमीटर है ठीक चलिए बहुत बढ़िया बेटा एरियल एक्सपेंशन का लास्ट क्वेश्चन में कोई काम ही नहीं था क्यों लंबा चौड़ा करना क्योंकि अपने को लीनियर डायमेंशन के ऊपर फोकस करना था डायमीटर सवाल देखिए ये सवाल आपका स्टैंडिंग वेव का है टू ट्रैवलिंग ट्रेवलिंग ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड इक्वल फ्रीक्वेंसीज मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन अलॉन्ग अ स्ट्रिंग दे इंटरफियर टू प्रोड्यूस अ स्टेशनरी वेव हुज इक्वेशन इज दिस मच तो ये आपका बेटा स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन है जहां पे ये वाला जो पोर्सन होता है ना ये होता है एम्पलीट्यूड एज अ पोजिशन एक्स तो हमसे वही पूछ रहा है कि अगर एक्स की वैल्यू फोर बाई है तो एम्पलीट्यूड कितना होगा तो यही तो है आपका एम्पलीट्यूड का हमको इक्वेशन दे रखा है इस पूरे क्वेश्चन में दैट इज योर टेन कॉस ऑफ पाई एक्स अगर आपको चाहिए एक्स इक्वल्स टू फोर बाई थ्री पे तो इक्वेशन में डालो ना ये आपको हो जाएगा बेसिकली फोर पाई बाई थ्री एंड फोर पाई बाई थ्री का मतलब होता है कॉस पाई प्लस पाई बाई थ्री राइट यानी कि माइनस कॉस पाई बाई थ्री सो दिस इज नथिंग बट योर माइनस टेन कॉस ऑफ बाई थ्री लेकिन आपको आंसर में सिर्फ मैग्नीट्यूड ही मेंशन करना है सो so जो है इसका सही जवाब हो जाएगा दैट इज योर फाइव ठीक यस यस राइट चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री अब ये सवाल ऐसा है ना कि बच्चे मेरे से बोलते हैं कि सर सवाल टफ है भाई टफ क्यों है अगर आपको फॉर्मुला ही नहीं याद है कि ओवरटोन में क्या होता है या फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में क्या होता है तब आपके लिए सवाल मुश्किल हो सकता है तब उसमें कोई दोराई नहीं है द फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन फर्स्ट ओवरटोन पाइप में आपका जो first overtone होता है वो आपको होता है v by L, v by so basically, 2V by, इसका जो जनरल फॉर्मूला आपको होता है एन वी बाई टू एल होता है राइट right? तो जो आपका फर्स्ट हार्मोनिक होता है वही यहां पे फर्स्ट ओवरटोन भी आपका है ठीक है अच्छा तो फर्स्ट ओवरटोन वी बाई टू वी बाई एल वन है फिर हमसे कहता है इट इज इक्वल टू द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप तो क्लोज ऑर्गन पाइप में जो आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है दैट इज योर वी बाई फोर एल टू लेंथ ऑफ द पाइप इफ द लेंथ ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप इज ट्वेंटी सेंटीमीटर एल टू अगर ट्वेंटी सेंटीमीटर है तो बताइए एल वन की वैल्यू कितनी है अब दोनों फ्रीक्वेंसी अगर आपस में बराबर है तो आप यहां पर लिख सकते हैं बेसिकली अगर न्यूमिनेटर दोनों का बराबर है तो डिनोमिनेटर भी बराबर होना चाहिए तो खत्म एक लाइन में आपका आंसर आ गया दैट दोर इंटू ट्वेंटी दैट इज योर एटी सेंटीमीटर सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट गेम ऑफ द दमुला वेदर यू आर नोइंग इट अट है ना बिल्कुल सही शानदार शानदार चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सवाल देखिए, गैलेक्सी मूविंग अवे वी तो ये आपको डॉपलर इफेक्ट लाइट का सवाल है राइट द ऑब्जर्व वेवलेंथ इज सिक्स सेवेंटी पॉइंट सेवन नाइनोमीटर तो यहां पे आपको अगेन अगर फॉर्मुला नहीं पता है तो फिर दिक्कत आएगी ना डेल्टा लैमडा बाई लामडा इज इक्वल टू तो v by your c तो हमसे इस क्वेश्चन में ये v रेडियल पूछ रहा है सो so, v रेडियल इज इक्वल टू डेल्टा लामडा डेल्टा लैम्डा का मतलब है है इसके इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस योर पॉइंट सेवन पॉइंट सेवन डिवाइडेड बाय लैम्डा दैट इज योर सिक्स सेवेंटी सर हमने इसको नैनोमीटर्स को मीटर्स में क्यों नहीं कन्वर्ट किया क्योंकि ऊपर भी नैनोमीटर नीचे भी नैनोमीटर फर्क नहीं पड़ेगा फिर मल्टीप्लाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट दैट इज थ्री इंटू टेन टू द पावर एट ठीक है आपको इसको बहुत डिटेल में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आप यहां से हजार को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो सेवन थाउजेंड डिवाइड बाई सिक्स सेवेंटी मल्टीप्लाइड बाई योर थ्री इंटू टेन टू दावर फाइव राइट सो आपको बस इसको अप्रोक्सीमेट करना है थोड़ा सा ऊपर में आपका ट्वेंटी वन है यहाँ पे आपका नॉट सेवन थाउजेंड या आपका सेवन हंड्रेड आता सॉरी ये आपका सेवन हंड्रेड है राइट right? ऊपर में टू टेन है और नीचे में आपका सिक्सटी सेवन है यू कैन क्लियरली सी कि आपका जो है कौन सा ऑप्शन मैच करेगा दैट इज अप्रोक्सीमेटली थ्री पॉइंट पर फाइव मीटर्स पर सेकेंड यस बहुत बढ़िया ठीक है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आपको फॉर्मूलाज याद होना चाहिए है ना फॉर्मूला का जो मैराथन है उसका लिंक आपको नीचे जरूर से मिलेगा हमेशा तो आप उसको कंप्लीट करें अगर आपने नहीं कंप्लीट किया है तो ये सवाल आपको अगेन एक

इसी तरीके से जो आपका ट्वेंटी वाला होगा उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा एफ नॉट प्लस कितना हो जाएगा राइट right? आप चाहो तो पे एपी का भी फंडा लगा के ये टर्म को लिख सकते थे हमसे कहता है कि दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस ट्वाइस ऑफ दिस हमसे कहता है कि एफ नॉट प्लस सेवनटी सिक्स इज इक्वल टू शुरुआत का टू टाइम्स तो यहां से आपको क्या आ रहा है एफ नॉट इज इक्वल टू सेवेंटी सिक्स राइट right? लेकिन हमसे एफ नॉट नहीं पूछा हमसे पूछा कि लास्ट वाले का फ्रीक्वेंसी कितना है तो 76 सिक्स प्लस सेवन सिक्स विच इज है बढ़िया है बढ़िया है बिल्कुल बिल्कुल यहां पे आपको थोड़ा बहुत मैथ लग गया है हालांकि आपको बेसिक एपी तो है वो आता ही होगा चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स यस डॉपलर इफेक्ट का सवाल है एन ऑब्जर्वर मूव स्टेशनरी सोर्स अच्छा सर सोर्स स्टेशनरी है मैंने बोला कि अगर सर ये आपका सोर्स है ये आपका सोर्स है इस तरीके से और आपका ये जो है ऑब्जर्वर है ऑब्जर्वर है ये आपको सोर्स की तरफ भाग रहा है सो वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज जीरो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कितना बोल रहा है दिस इज इक्वल टू वन फिफ्थ ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड तो अगर स्पीड ऑफ साउंड को हमने सी बोला है तो ये आपको सी बाई है परसेंटेज चेंज इन दी फ्रीक्वेंसी इज हाउ मच तो अगर यहां से आपको एफ नॉट फ्रीक्वेंसी निकला है तो इसने कोई फ्रीक्वेंसी सुनी होगी तो, तो पहली बात सुनी होगी उसने क्या फ्रीक्वेंसी सुनी, सुनी है दैट इज योर एफ अपरेंट दैट इज इक्वल टू यह आपका होता है फॉर्मुला एफ नॉट यहां पर स्पीड ऑफ साउंड स्पीड ऑफ साउंड यहां पर आपका होता है स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर यहां पर होता है स्पीड ऑफ साउंड ठीक है सोर्स अब सोर्स आपका रेस्ट पे ये तो जीरो हो गया ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ भाग रहा है तो ऊपर में आप प्लस बैठाओगे दिस इज इक्वल टू एफ नॉट राइट सी प्लस वी नॉट की वैल्यू है सी बाई फाइव और नीचे में ऑलरेडी आपका एक सी है सो दिस फेलो बिकम्स बेसिकली सिक्स बाई फाइव एफ नॉट विच इज नथिंग बट योर वन पॉइंट टू एफ नॉट तो भैया एफ एफ अपेरेंट जो है वो वन पॉइंट टू एफ नॉट है हमको परसेंटेज इंक्रीज जानना है परसेंटेज चेंज जानना है तो चेंज कितना हो जाएगा चेंज आपका हो जाएगा अपेरेंट माइनस इनिशियल विच इज नॉट डिवाइडेड बाई इनिशियल मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड दैट इज योर ट्वेंटी परसेंट ठीक चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन द वेलॉसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस इन विच टू वेवलेंथ इतना एंड इतना प्रोड्यूस इन विल बी हाउ मच तो सर हमारे पास बीट फ्रीक्वेंसी होती है एफ वन माइनस एफ टू इज इक्वल टू अच्छा क्या ये बीट फ्रीक्वेंसी है नहीं बीट फ्रीक्वेंसी आपको फोर्टी बीट बारह सेकेंड में है तो एक सेकेंड में कितना हो जाएगा फोर्टी डिवाइडेड बाई बारह तो ये तो हुआ बेटा आपका बीट फ्रीक्वेंसी और, और फ्रीक्वेंसी आपका होता है स्पीड अपॉन वेवलेंथ तो स्पीड क्योंकि मीडियम सेम है तो स्पीड आपका सेम होगा तो आप यहां पे लिखेंगे बेसिकली वन डिवाइडेड बाय लामडा वन विच इज विच इज योर फोर पॉइंट जीरो एट माइनस वन डिवाइडेड बाय ये आपका हो जाएगा फोर पॉइंट वन सिक्स इज इक्वल टू दिस बिकम्स योर टेन बाई थ्री तो अपने को है ना इसी को सॉल्व करना है आप यहाँ पे इसको वी को लिख सकते थे दिस बिकम्स योर अपने को इसी को इसी करना है मेरे ख्याल से इसमें कोई तकलीफ आपको आनी चाहिए नहीं ठीक है आप इसको solve करेंगे you will get approximately 707, right? आपका जो आंसर होगा ना वो आपको बहुत बड़ा वैल्यू दिखेगा जो कि आपको एक ही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी ठीक क्लियर है एकदम चलिए चलिए आगे बढ़ जाए आगे बढ़ जाए राइट चलिए चलिए देखिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट अगेन सवाल आपका यहां पे क्या है अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 340 फोर्टी हर्ट्स ओके आई थिंक हालांकि सवाल को हमने ऑलरेडी अपने uh, एक शॉर्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है आपके पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है 340 फोर्टी हर्ट्स का दैट रेजनेट्स इन अ फंडामेंटल मोड इस सवाल को अगर आपको आंसर लेके आना है तो आपको ये फंडामेंटल वर्ड को इग्नोर करना पड़ेगा विद एन एयर कॉलम तो ये सवाल का फ्लॉ है विद एन एयर कॉलम ऑफ लेंथ 125 सेंटीमीटर आप उसमें फिर पानी जो है भरते जा रहे भरते जा रहे हमसे पूछ रहा है मिनिमम हाइट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर ऑब्जर्विंग रेजोनेंस वंस अगेन इज हाउ मच राइट तो ये सवाल के साथ प्रॉब्लम ये है कि आपको अगर आपने फंडामेंटल मोड सोचा तो आप डायग्राम ऐसा बनाओगे और इस केस में आपका आंसर नहीं आ पाएगा तो हमें फंडामेंटल मोड को इग्नोर करना होगा और मान लेते हैं कि यहाँ पे आपको बहुत सारे लूप्स बन रहे थे तो ये आपका जो है वो स्टैंडिंग वेव बना अब आपने क्या किया अब आपने इसके अंदर जो है बेसिकली पानी भरना शुरू किया पानी भर रहे भर रहे भर रहे भर रहे जैसे आप दोबारा से एक नोड पर पहुँचेंगे तब आपको फिर से एक और रेजोनेंस सुनाई देगा यानी कि पानी का जो लेवल है दिस इज इक्वल टू लामडा बाई टू

तो ये सवाल का फ्लॉ है आपको समझना भी पड़ेगा ठीक है mm. यस yes. चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन अब ये सवाल अगेन फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो फिर जीवन में कष्ट ही कष्ट है सवाल में कहता है द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी पार्टिकल का जो मैक्सिमम वेलोसिटी है दैट इज फोर टाइम्स द वेव स्पीड सर पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू इज इक्वल टू फोर टाइम्स वेव स्पीड एंड व्हाट इज पार्टिकल वेलोसिटी सर पार्टिकल वेलोसिटी होता है एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा जो आपने एसएचएम में देखा हुआ है और सर वेव वेलोसिटी होता है ओमेगा बाय के का रेशियो अब अगर आप ध्यान से देखिए तो आपका ओमेगा से ओमेगा तो खत्म हमसे इस सवाल में क्या पूछा ध्यान से देखना ट्यूड आपको 10 दे रखा है दिस दिस इज इज योर 10 इक्वल टू 4 into, और के होता है 2 2 है 2 2 पाई पाई ठीक तो बस गेम ओवर नहीं हो गया आपका आपको यहां पे दिख नहीं रहा है कि आपका जो ये लामडा है दैट इज इक्वल टू फाइव टाइम्स पाई खत्म ऑप्शन नंबर बी दो तीन लाइन में आपका सवाल खत्म राइट right? यस यस ऑप्शन नंबर इज़ द करेक्ट आंसर चलिए नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एंटायर 390 क्वेश्चंस ऑफ योर जून अटेम्प्ट ये रहा आपके सामने ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके मोबाइल स्क्रीन पे इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द क्वेश्चन इज वेरी गुड you the question is really good in an experiment to determine the velocity of sound in air राइट right? आपने बेसिकली रेजोनेंस ट्यूब का सहारा लिया होगा फर्स्ट रेजोनेंस इज ऑब्जर्व्ड वेन द एयर कॉलम हैज अंथ ऑफ ट्वेंटी सेंटीमीटर बेटा इस ट्वेंटी सेंटीमीटर पर मत जाना समझना मेरी बात को फॉर अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फोर हंड्रेड हर्ट्स द बेलॉसिटी ऑफ साउंड इज इतना द थर्ड रेजोनेंस इज ऑब्जर्व वेन द एयर कॉलम हैज अंथ ऑफ समथिंग सबसे पहले तो मेरी बात को समझना सबसे पहले मेरी बात को समझना ओ हो हो बेटा क्या हो रहा है कि आपका जो ये बनता है ना इस तरीके से ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे और ये कहानी आपको बेसिकली चलती जा रही है ये कहानी आपको बेसिकली चलती जा रही है सो यहां पे आपको बनता है यहां पे आपको बनता है फर्स्ट रेजोनेंस तो ये वाला जो लेंथ है वो बेसिकली आपको होता है लैमडा बाई फोर यहाँ पे आपको बेसिकली बनता है सेकेंड रेजोनेंस जो कि आप देख सकते हैं थ्री लैमडा बाई फोर है और यहां पे आपको बनने वाला है थर्ड रेजोनेंस जो कि आपको बेसिकली फाइव लामडा बाई फोर है यानी कि सर सर अगर हमको पता चल जाए कि ये जो पहला रेजोनेंस बना था उसके लिए लेंथ कितना है क्योंकि यहां पे लेंथ अगर आप देखें तो

आपको दे रखा है कि फ्रीक्वेंसी इतना है आपको वेव का स्पीड भी दे रखा है तो बेटा आपको कहीं ना कहीं पता है कि फर्स्ट रेजोनेंस के लिए जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है दैट इज योर वी डिवाइडेड बाय फोर एल फर्स्ट रेजोनेंस का फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये होता है यानी कि सर जो लेंथ हो गई है ना दैट इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई वी डिवाइडेड बाई फोर इंटू सर वी की वैल्यू कितनी है दैट इज़ योर थ्री थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाई फोर इन टू और सर एफ नॉट की वैल्यू है चार सौ दिस इज योर चार सौ ठीक है सर अच्छा फोर को अगर हमने इससे डिवाइड किया तो फोर एट एंड दिस इज योर फोर ये हो गया आपका ट्वेंटी हो गया हंड्रेड सो so बेटा ये आपको आ रहा ट्वेंटी सर ये मेरे को आ रहा है ट्वेंटी वन सेंटीमीटर यानी कि अगर क्वेश्चन में आपको ट्वेंटी बोला था यानी कि एंड करेक्शन वन सेंटीमीटर का रहा होगा बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड ओवर हियर द मेन मुद्दा इस कि पहला रेजिडेंस के लिए लेंथ होना चाहिए था इक्कीस सेंटीमीटर का इक्कीस सेंटीमीटर का यानी कि जो आपका गुना होना चाहिए अब आंसर दैट इज पे आपका हो जाएगा जीरो राइट right? अच्छा अब समझना तो 105 सेंटीमीटर का 105 सेंटीमीटर का तो सर ये आपको लेंथ हुआ इसमें से एंड करेक्शन कितना था एंड करेक्शन एयर कॉलम का लेंथ शुरुआत में 20 था और बाहर में यानी कि वन सेंटीमीटर रहा होगा आपको एंड करेक्शन तो फाइनली जब आपने वन जीरो फाइव निकाला तो इसमें से आपको वन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमको तो सिर्फ और सिर्फ एयर कॉलम का लेंथ चाहिए तो आप इसमें से माइनस वन भी करेंगे दिस मेक्स योर आंसर एस वन जीरो फोर एंड दैट इज द करेक्ट आंसर क्लियर है दैट इज करेक्ट आंसर सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन एटलीस्ट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू आई होप आपको समझ में आया है कि हमने माइनस वन क्यों किया है हमने माइनस वन क्यों किया है एंड दैट कंक्लूड्स ओ हो हो कंप्लीट थ्री नाइनटी क्वेश्चन आई होप आपके प्रिपरेशन में आपके जुलाई अटेम्प्ट के प्रिपरेशन में या फिर जो बच्चे इसको आगे भी देखेंगे उनको ये बहुत ज्यादा बेनिफिट करने वाला है एंड फ्रॉम माय नॉट जस्ट टू बोस्ट लेकिन मेरे ख्याल से ये आपको बेस्ट सोल्यूशन अवेलेबल है है ना सो so, uh, जस्ट मेक दी बेस्ट यूज ऑफ इट और आपको सभी का पी डी एफ सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा ठीक है चलिए चलिए टेक केयर एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक ठीक है बाय